हाय गाइस, मैं हूं सिप्तैन और ये हैं जुबैर। और आज हम लोग जो है पाकिस्तानी एक ड्रामा आया है, हम कहां के सच्चे हैं, हम कहां के सच्चे थे। मेरा नाम महरीन मंसूर है। मैंने जिंदगी में सजाओं की जो फसल काटी वो मेरे माँ बाप ने बोई थी। उसको काटते काटते मेरे हाथ कट गए। ड्रामा सीरियल हम कहां के सच्चे थे। हम कहां के सच्चे थे। तो आज हम उसके ओएसटी पर बात करेंगे, क्योंकि वो गाना बहुत मुझे पसंद भी है। आपने देखा होगा? मैंने तो गाना भी देखा है और मैंने सीरियल ड्रामा सीरियल को देखना शुरू भी कर दिया। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो फिर चलें पहले देखते हैं उस ओएसटी को, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। जी, रिएक्शन वीडियो की तरफ चलते हैं। चलें स्टार्ट करें। जी बिल्कुल। हम कहां के सच्चे थे। माहिरा खान, क्या बात। मरते थे, जहर पी के जीते, क्या बात है। जिंदगी के धोखे में हर किसी से लड़ना ही है ना। हम कहां के उस्मान मुख्तार साहब हैं। माहिरा अच्छी लग रही है। वाह बिछड़े थे, वाह वाह। कुबरा खान अच्छा एक्टर लग रहा है। आंखों से निकला हुआ हर पानी आंसू, क्या बात। डायलॉग भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे। करते हम कहां के सच्चे। आवाज अच्छी लगती मुझे सिंगर्स की। क्या नाम है इसका? यशल, यशल शाहिद। यशल करेंगे बात इस पर। इसकी आवाज मुझे मिलती जुलती लग रही है। इंडियन एक गायकार है। इंडियन नहीं, क्यूबी को सुना है आपने? उससे मिलती जुलती है। तेरे बिन मेरे बाप, ये भी नया हीरो है क्या? शायद लग रहा है ना। नया नहीं है, कुछ ड्रामास किए हैं इन्होंने। हालांकि इसमें फवाद अच्छा लगता है ना। अगर फवाद होता तो फवाद खान होते तो कुछ और बात होती, बट उस्मान मुख्तार ने भी बहुत अच्छा किया है। फिर भी अच्छा एक्टिंग किया इसने। तो रहा ये कौन है? माजी था लेकिन खूबसूरत। क्या बात है, खूबसूरत था माजी, खूबसूरत। माहिरा की एक्टिंग लेकिन अच्छी हो गई है अभी के मुकाबले में। माहिरा तो हमेशा से अच्छी है एक्टिंग। नहीं लेकिन इसमें लग रहा है कि वाकई बहुत दिनों बाद आई है ना ये पाकिस्तान की। मुझे हरा के बहुत खुश हो रही होगी ना तुम। फैमिली ड्रामा भी है शायद। मेरे बस में होता है। उमेरा अहमद की ज्यादातर कहानियां फैमिली ड्रामा ही होती है। इसका जो मुखड़ा अच्छा लग रहा है। बेबी डॉल, वाह। कुबरा, वाह, व्हाट एन एक्सप्रेशन। ये शायद उसकी माँ होगी। जी ये भी है शमी मिलाली। चश्मा इस पे जमरा भी है ना। शायद इसका किरदार जो लग रहा है थोड़ा जज्बाती बना होगा। शायद इसके किरदार जज्बाती एक हिसाब से कह भी सकते हो और नहीं भी। ये शायद माया उसकी थोड़ा थ्रिलर भी लग रहा है ना। आई थिंक दो हीरोइन बहन है दोनों। कजन्स हैं। ये भी अच्छी एक्ट्रेस है। जी वाह है। मतलब एंड जो है वो हैरत अंगेज होने वाला है। हाँ, वो तो लग रहा है। ओएसटी को देख कर ये लग रहा है। और ये शायद नेगेटिव भी लग रहा है कभी कभी मुझे कुबरा का। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या करते कहां के सच्चे थे। क्या बात, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा है। बस से पहले के हम लोग बात करें इस गाने पर, गाइस
हमारा चैनल का नाम है बोल उर्दू स्टूडियो। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ज़रूर, ताकि आप तक आने वाली तमाम वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे मज़ीद शेयर भी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो गाने को आपने देखा, कैसा लगा आपको, क्या लगा? गाना तो बहुत खूबसूरत है और मेरा ख्याल है कि OST जो होती है वो पाकिस्तानी ड्रामा की वो जान होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पूरी स्टोरी का जो एक तरह से उसमें जो है ना निचोड़ आ जाता है। सही कहा। वो मुझे याद है जो अभी आया था खुदा और मोहब्बत, उसका भी गाना जो है OST बहुत पावरफुल था। पावरफुल था हाँ। और मिलियंस में उसकी व्यूज चली गई है। सही कहा आपने। तो इसके जो म्यूजिक कंपोजर, इसके बारे में तो मेरे ख्याल से अजान सामी है। अजान सामी, मेरे ख्याल से वो समी अदनान समी का बेटा लग रहा है। या आई थिंक सही है ना, वो उनके बेटे ही है। उन्होंने भी अभी शुरू किया है करियर, तो और काफी अच्छा कर रहे हैं वो जीन में शायद इन लोगों के भाई गाना बनाने का बेहतरीन। और दूसरा ये कि राइटर जो है इसके गाने का, जो जिन्होंने लिखा है इसको, मेरे ख्याल क्या नाम है इनका, साबिर सफर। हाँ, उनके बारे में मैंने पढ़ा था कहीं कि भाई उन्होंने मतलब उमैर अहमद के जो पहला नॉवल था मेरी जात जर्रे बेनिशान, उसको भी उन्होंने कंपोज किया, मतलब लिखा था गाने को। उसके अलावा सय्योनी भी एक था कुछ, हाँ वो भी लिखा था, सुना होगा, हाँ वो भी लिखा था। उसके बाद उन्होंने काफ़ी ड्रामा सीरियल्स की OSTs जो है लिखी। मैंने उन पर सर्च किया तो मुझे लगा कि शायद देखना चाहिए इनके बारे में, अच्छा लिखते हैं ये शायर, अच्छे शायर भी हैं। बिल्कुल, अभी उनका कोई शेर याद नहीं आ रहा मुझे, ने तो आपको सुना था। बड़े शायर हैं देखा जाए तो पाकिस्तान में बात की जाए तो। और जो गाना गाई है अभी रिसेंटली, एक बहुत अच्छा पॉपुलर OST था राज़े उल्फत का, वो भी उन्होंने लिखा था। सही बोले। तो ये जो गायिका, इसका नाम क्या है, ये जो यशल शाह, आपको पता है दोस्त कभी कभी जो होते हैं वो बड़े आपके अंदर से जो गुर होता है वो निकाल लेते हैं। सही कहा। मतलब एक बार यशल के बारे में मुझे, मैंने कहीं YouTube पर ही रिसर्च करते हुए और उनके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि उन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया, शी वॉज अ स्टूडेंट पहले, अच्छा, तो नेस कैफे बेसमेंट के लिए उन्होंने, दोस्तों ने मिलकर ऐसे ही फोर्स किया, एक गाते हैं ना हम दोस्त लोग, ऐसे आप और मैं भी कभी कभी शुरुआत में जो है OST वो सारे क्या कहते हैं गज़ल की वीडियोस वगैरह बना लिया करते थे, तो उस तरह से तो वीडियो उन्होंने शूट की और जो है ऑडिशन के लिए भेज दी। अच्छा, वहाँ से उन्हें अली ज़फ़र ने वो मतलब रीच हुई, किसी तरह से पहुंच गए। उसके बाद एक दो कवर आए उनके और उसके बाद यशल शाहिद का, मेरे ख्याल है ये जो ब्रेक है ये बहुत ही सुपर्ब होने वाला है उनके करियर में यशल शाहिद के। नहीं तो बात करेंगे इसके बारे में और इस सीरियल के बारे में। आवाज़ जो है वो क्यूबी से मिलती है, आपने गौर किया, आप कह रहे थे ना क्यूबी, आप क्यूबी को जानते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर। बात करेंगे इस पर भी और इसकी कहानी पर भी बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि वो हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे, मेरा ख्याल है कि जब ये सीरीज आगे बढ़ जाएगा तो एक और रिएक्शन बनाएंगे और उसमें हम इसके स्टोरी लाइन और बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस, आप बंद करने से पहले कम से कम हमारा जो चैनल है बोल उर्दू स्टूडियो, हमारा नाम है चैनल का, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जी क्यों दबाएं, ताकि आपको वीडियो आप तक वक्त पर पहुंचती रहे, आपको मिलेगी यहाँ पर, आपको सारी रिएक्शंस की वीडियो मिलती रहेगी।